वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख प्रश्नों के बारे में तो हमारे सामने ये जो पहला प्रश्न है वह यह है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाई तो यहाँ पे चार ऑप्शन है सर विलियम जोन्स विलकिन मैक्स मूलर और डी ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप इस प्रश्न का सही उत्तर है सर विलियम जोन्स सर विलियम जोन्स ने बंगाल की एसियाटिक सोसाइटी या ये कहें द एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी तो सर विलियम जोन्स का नाम जरूर याद रखिएगा अब दूसरा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सबसे पहले सबसे पहले भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार ऑप्शन हैं विलियम जोन्स चार्ल्स विल्किंस एलेक्जेंडर कनिंग और जॉन मार्शल तो प्रश्न क्या है इन टू इंग्लिश तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चार्ल्स विल्किंस चार्ल्स विल्किंस का नाम यहाँ पे याद रखना है इनको श्रेय जाता है सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का तो ये पहले अंग्रेज हैं जिन्होंने भगवत गीता का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में सबसे पहले किया कौन चार्ल्स विल्किंस अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध कृति शकुंतला शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था ठीक है तो प्रश्न क्या है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास फेमस वर्क शकुंतला इनटू इंग्लिश यहां भी चार ऑप्शन है ए ऑप्शन ये है कि चार्ल्स विल्किंस बी है हैंडी कोलब्रुक सी है जोहाना वल्फगैंग वॉन थे और डी ऑप्शन है सर विलियम जोंस इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सर विलियम जोंस सर विलियम जोंस ने कालिदास की प्रसिद्ध कृति शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किया था कौन सर विलियम जोंस चौथा प्रश्न चार्ल्स वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था चार्ल उड्स डिस्पैच वॉज रिलीट रिलेटेड विथ विच ऑफ दी फॉलोइंग तो पहला है शिक्षा मतलब एजुकेशन बी है व्यापार मतलब ट्रेड सी है प्रशासनिक सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और डी है सैन्य सुधार मिलिट्री रिफॉर्म्स तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए एजुकेशन ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट हंटर आयोग हंटर आयोग की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पहला ऑप्शन है लड़कियों की शिक्षा बी ऑप्शन है उच्च शिक्षा सी ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा और डी ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा तो यहाँ पे ध्यान रखना है यह रिलेटेड था आयोग प्राथमिक शिक्षा से किससे प्राइमरी एजुकेशन अब छठा क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग संबंधित था ठीक है है कमीशन रिलेटेड फर्स्ट ऑप्शन न्यायपालिका मतलब जुडिशरी बी ऑप्शन है राजस्व प्रशासन मतलब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सी ऑप्शन है शिक्षा मतलब एजुकेशन और डी ऑप्शन है पुलिस प्रशासन मतलब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षा एजुकेशन नेक्स्ट ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार हेतु सैडलर विश्वविद्यालय आयोग इसको जरूर याद रखिए ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की इसको इंग्लिश में देखते हैं वेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन पहला ऑप्शन है 1919, बी है 1917, सी है 1921 और डी है अठारह इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1917. अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे मुंबई में प्रथम महिला ध्यान दीजिएगा प्रथम महिला विश्वविद्यालय प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास का परिणाम था तो पहला ऑप्शन है दयाराम बिंदु मल बी ऑप्शन है डी के करवे सी है एम जी राडे और डी है रामाबाई ठीक है तो प्रश्न क्या है प्रश्न ये है फर्स्ट वर्सिटी इन मुंबई रिजल्ट उन्नीस उन्होंने 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना मुंबई में की थी ठीक है पहले ये बंबई के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने वर्णाकुलर प्रेस एक्ट पेश किया ठीक तो, है नौ नंबर का क्वेश्चन है तो हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन बी है लॉर्ड रिपन सी है लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड लिटन लॉर्ड लिटन का नाम याद रखिएगा किसके गवर्नर जनरल के तहत वर्नाकुलर एक्ट को निरस्त किया गया देखो ऊपर क्या प्रश्न है ऊपर ये जो प्रश्न है किसने पेश किया ठीक है कौन लाया था और किसने इसको खत्म किया या निरस्त किया अब यह पूछा जा रहा है उस गवर्नर जनरल का नाम तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन बी है है लॉर्ड लॉर्ड लिटन और सी कर्जन और डी है लॉर्ड डफरिन इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड रिपन नेक्स्ट इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे फर्स्ट एडिटर ऑफ द जनरल इंडियन ओपिनियन वॉच फर्स्ट एम के गांधी महादेव देसाई और डी है लाल नजर इस प्रश्न का सही उत्तर है डी लाल नजर अब आते हैं बारहवें प्रश्न पे महात्मा गांधी महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस अखबार या पत्रिका से जुड़े नहीं थे देखो इस तरीके जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आराम से प्रश्न को पढ़िए और पूछा क्या जा रहा है इस पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते रहते हैं लेकिन आप जब ये नहीं देख पाते हैं कि ये पूछ रहा है कि कौन नहीं थे तो इसमें आप प्रश्न का उत्तर गलत लगा के आते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें और देखें तो बारह नंबर का प्रश्न ये है विथ विच ऑफ फॉलोइंग पेपर मैगजीन महात्मा गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड फर्स्ट इंडियन ओपिनियन बी है यंग इंडिया सी ऑप्शन है नवजीवन और डी ऑप्शन है युगान्तर जी हाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है युगान्तर याद रखेंगे युगान्तर अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ठीक है कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा जा रहा है तो महात्मा गांधी मूक नायक ठीक बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया एनी पेशेंट कॉमनवेल्थ और बी आर अम्बेडकर केसरी यहाँ पे तीन जो है वो मिस मैच है कौन कौन से ये मिस मैच है ये मिस मैच है और ये मिस मैच है बी आर अम्बेडकर केसरी केसरी तो बाल गंगाधर तिलक जी का था तो यहाँ पे जो मैच है वो है सी एनी बेसेंट का पेपर था कॉमनवेल्थ अब आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन पे ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये बहुत ही आसान प्रश्न है ठीक है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद सी है केशव चंद्र सेन और डी ऑप्शन है राजा राममोहन रॉय इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी ठीक है फर्स्ट। तो यहां पे पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज दूसरा है आत्मीय सभा सी है ब्रह्म सभा और डी है तत्वबोधनी तो सभा तो पंद्रह क्वेश्चन क्या है द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाई मोहन राय वॉच इसका याद रखो पहली जो सोसाइटी थी पहला जो संस्था था राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित वो आत्मीय सभा थी कौन सी आत्मीय सभा अब आते हैं मोहन नंबर कहें राम मोहन राय को राजा की उपाधि राजा की उपाधि किसने दी थी हुमोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा यहाँ पे पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग दूसरा है अकबर द्वितीय सी है ब्रह्म समाज के जो थे उन्होंने और डी ऑप्शन है सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवी सती प्रैक्टिस तो ध्यान देना इस प्रश्न का सही उत्तर है अकबर द्वितीय जो कि मुगल शासक था भारतीय ब्रह्म समाज ध्यान से पढ़ो इसको भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे फाउंडर ऑफ भारतीय ब्रह्म समाज यहाँ पे ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर बी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर सी है केशव चंद्र सेन और डी है राजा राम मोहन रॉय इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ध्यान रखिएगा भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन है इसमें ये जो भारतीय है दिमाग में जरूर रखिए ओके okay. आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी पहला ऑप्शन है देवेंद्र टैगोर बी ऑप्शन है केशव चंद्र सेन सी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और डी ऑप्शन है टैगोर अगर जो लोग एम पी पी एस सी का एग्जाम लास्ट ईयर में दिए होंगे वो जानते होंगे कि ये प्रश्न जो है वो एम पी पी एस सी में पूछा गया था इस प्रश्न का सही उत्तर है देवेंद्रनाथ टैगोर ध्यान रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था when did swami vidyavanand deliver his speech in world religion conference in chicago यहाँ पहला ऑप्शन है 1863 1893 1889 और 1894 इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1893 नेक्स्ट सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटेन बाई पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय बी है महात्मा गांधी सी स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही उत्तर है डी स्वामी दयानंद सरस्वती नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया ठीक है शुद्धि आंदोलन का समर्थन किस संस्था ने किया आर्य समाज ब्रह्म समाज देव समाज प्रार्थना समाज तो क्वेश्चन क्या है व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्य समाज निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी के लेखक थे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी पहला ऑप्शन है पीआर अमिडकर बी ज्योतिबा फुले सी महात्मा गांधी और डी है पेरियार इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्योतिबा फुले नेक्स्ट महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी इस नाम को याद रखिए लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है एम जी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले पंडित रामाबाई गोपाल हरि देशमुख प्रश्न ये है कि विच रिफॉर्म ऑफ महाराष्ट्र इज आल्सो नोन एज लोकहितवादी तो गोपाल हरिदेशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था तो 24 नंबर क्वेश्चन यह है कि इन विच ईयर द हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट वॉज पास पहला ऑप्शन है 1856, बी है 1858, सी है 1859 और डी है 1860. तो सही प्रश्न इस प्रश्न का सही उत्तर है 1856 नेक्स्ट मूल निवासी विवाह अधिनियम ये हिंदी में कुछ अजीब टाइप का लग रहा है ये प्रश्न ये है कि इन व्हिच ईयर वाज द नेटिव मैरिज एक्ट पास्ट तो मूल निवासी विवाह अधिनियम मतलब नेटिव मैरिज एक्ट की बात की जा रही है किस वर्ष पारित किया गया पहला ऑप्शन है 1870 बी है 1872 सी है 1874 और डी है 1876 इस प्रश्न का सही उत्तर है 1872 सेवेंटी टू अठारह शारदा अधिनियम के तहत लड़के और लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु क्या निर्धारित की गई थी ये 26 नंबर प्रश्न है तो वट वॉज द मिनिमम मैरिजेबल एज फिक्सड अंडर शारदा एक्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इस यहाँ पे चार ऑप्शन है 12 और 16 वर्ष 14 और 18 वर्ष सी है पंद्रह और इक्कीस वर्ष और डी ऑप्शन है सोलह और बाईस वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर है चौदह और अठारह वर्ष चौदह वर्ष जो है वो लड़कियों के लिए उम्र और अठारह वर्ष जो है लड़कों के लिए उम्र निर्धारित की गई थी विवाह के लिए किसके तहत शारदा अधिनियम के तहत नेक्स्ट भारत में थियोसिफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण था या ये बताया जाए कि इसके लिए मेन लोग कौन थे तो सक्सेस ऑफ मेनली ड्यू टू तो इसमें पहला नाम है एनी बेसेंट बी है कर्नल एच एस सर विलियम क्रूक डी है एम एम मालवीय इस प्रश्न का सही उत्तर है एनी बेसेंट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है एक तरफ संगठन का, का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है ठीक है तो so, 28 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैस्ड तो नॉट करेक्टली मैस्ड बताना है कौन सुमेलित नहीं है तो so, एक संगठन में दिया गया युवा बंगाल आंदोलन इसके आगे लिखा गया हेनरी विवियन डेरेजियो बहिष्कृत हितकणी सभा इसके आगे लिखा गया ज्योति बा और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन इसके आगे लिखा गया है सैयद अहमद खान ठीक है ये थोड़ा सा छुप गया है मैं आपको लिख देता हूं यहां पे सैयद अहमद खान ठीक है तो सैयद अहमद खान डी ऑप्शन है यहां पे जो गलत है ये है बहिष्कृत हितकरणी सभा इसके जो संस्थापक थे इससे जुड़े हुए व्यक्ति थे वो ज्योतिबा फुले नहीं थे ये बी आर अंबेडकर जी थे नेक्स्ट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी पहला ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर बी है गोपाल कृष्ण गोखले सी है दादा भाई नी और डी है लाला लाजपत राय इस प्रश्न का सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक थे ठीक है थर्टी नंबर वॉज फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन पहला ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और डी ऑप्शन है एस एन बनर्जी सुरेंद्रनाथ प्रश्न का सही उत्तर है डी बनर्जी नेक्स्ट निम्नलिखित संगठनों को उनके सही क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्ट ऑर्डर पहला है बॉम्बे एसोसिएशन दूसरा है मद्रास महाजन सभा तीसरा है इंडियन एसोसिएशन और चौथा है इंडियन लीग तो इसको जो है क्रम से जो है आने के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है ठीक है थर्टी वन नंबर क्वेश्चन है तो देखो जो बॉम्बे एसोसिएशन है वो अगस्त 1852 का है तो ये हो गया 1852 अगस्त ठीक मद्रास महाज मद्रास महाजन जो सभा है वो है मई 1884 का यहां पे हम लिख देते हैं मे एटीन एट्टी फोर और इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 का है कब का है जुलाई 1876 इंडियन लीग अब इंडियन लीग की बात करेंगे सितंबर सितंबर मतलब सितंबर 1875 का है ठीक है अब इसको अरेंज कर सकते हैं तो सबसे पहले कौन आपको दिखेगा Uh, 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन तो नंबर क्या होगा वन उसके बाद 52 के बाद uh, 75 तो 75 में इंडियन लीग बना है तो वन के बाद फोर उसके बाद 76 में 1876 में इंडियन एसोसिएशन है तीन और उसके बाद 1884 में 1884 में मद्रास महाजन सभा है तो दो हो गया तो वन फोर थ्री टू तो वन फोर थ्री टू ऑप्शन ये है देखो डी इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अब आते हैं थर्टी टू नंबर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी ठीक है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी तो पूना सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड इन पहला ऑप्शन है एटीन फिफ्टी एट महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा एटीन सेवेंटी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा ईयर चेंज है पहले में एटीन फिफ्टी दिया है और दूसरे में एटीन दिया है 1870 पंडिता रमाबाई रानाडे द्वारा और डी ऑप्शन है 1870 सेवन मिनर्जी बनर्जी द्वारा तो यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1870 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ध्यान से देखिए इस प्रश्न को हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन पहला ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले सी राधाकांत देव और डी है आनंद मोहन बोस इस प्रश्न का सही उत्तर है राधाकांत देव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था हू हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस तो पहला ऑप्शन है फिफ्टी बी है सिक्सटी सी है सेवेंटी और डी है 82 इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 72 नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन ओ ह्यूम डब्ल्यू सी बनर्जी दादा भाई नरोजी या इनमें से कोई नहीं तो 35 नंबर क्वेश्चन यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो याद रखिएगा डब्लू सी बनर्जी और कांग्रेस की स्थापना कब होती है 1885 एट्टी फाइव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था Hey, 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 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी पहला स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी थे तो क्वेश्चन क्या है तो कंसिडर द पहला स्टेटमेंट द फर्स्ट द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजनी नायडू सेकेंड स्टेटमेंट है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन तैयबजी तो ऊपर दिए गए जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सही है ये बताना है तो ऑप्शन है पहला केवल एक बी है केवल दो सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक ना तो दो तो देखो यहां पे पहला जो स्टेटमेंट है वो है गलत क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन को उन्होंने अध्यक्षता की थी ठीक है अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तब ये सरोजिनी नायडू नाम सही होता और इन्होंने सरोजिनी नायडू ने 1900 ध्यान दीजिएगा 1925 में कानपुर का जो अधिवेशन था कहाँ का कानपुर का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे ये सही है ठीक है जो कांग्रेस का जो तीसरा तीसरा जो सेशन था उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने ही की थी अब आते हैं 38 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में द्वितीय दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो पहले तो बदरुद्दीन तैयब जी थे दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष में नाम देखिए पहला अबुल कलाम आजाद बी जाकिर हुसैन सी रहमतुल्ला मोहम्मद सयानी और डी है बदरुद्दीन तैयब जी इस प्रश्न का सही उत्तर है सी रहमतुल्ला मोहम्मद सयानी इन्होंने अठारह सौ का सेशन को जो है उन्होंने अध्यक्षता की थी जो कि कलकत्ता में हुआ था ठीक है क्या याद रखिएगा कलकत्ता ओके नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने में पहले यूरोपीय ध्यान दीजिए पहले यूरोपीय थे कौन ह्यूम की जॉर्ज यूले की सी अल्फ्रेड बेव और डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर है जॉर्ज यूले इन्होंने इन्होंने जो इलाहाबाद का सेशन था उसकी अध्यक्षता की थी ठीक है निम्नलिखित में से किसे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया यह चालीस नंबर का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है कि हु द द फॉलोइंग वाज नेवर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय बी है एनी बेसेंट सी है, है मोतीलाल नेहरू और डी है बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली महिला अध्यक्ष चुना जैसे अभी हमने पिछला प्रश्न देखा तो ये प्रश्न फिर आ गया 41 नंबर फॉर पिच ऑफ दी फॉलोइंग सेशन दी कांग्रेस इलेक्टेड द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट पहला है कलकत्ता सेशन या कलकत्ता सत्र 1917 गया सेशन 1922 इलाहाबाद सत्र सेशन 1921 लखनऊ सत्र 1916 सो इस प्रश्न का सही उत्तर है कलकत्ता सेशन 1917 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे देकर रहूंगा नेशनल स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट ए है बनारस सत्र उन्नीस कलकत्ता सत्र या कलकत्ता सेशन 1906 सी है सूरत सेशन 1907 और डी है लखनऊ सत्र 1916 इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ सेशन 1916 नेक्स्ट कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है सन स्टेटमेंट है ठीक है कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि इसे शांतिपूर्ण निधन में सहायता करना है यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी अब चूंकि उन्होंने इंग्लिश में ये स्टेटमेंट दिया था तो हम जानेंगे कि अंग्रेजी में इन्होंने क्या बोला था ठीक है तो इन्होंने ये बोल रहे हैं कि द कांग्रेस इज फॉलिंग टू इट्स किसने कहा था कांग्रेस के बारे में ये यहां पे चार ऑप्शन है जॉर्ज हैमिल कर्जन, लॉर्ड लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड मिंटो तो 43 43 का आंसर है बी ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है फिर से सुन लीजिए कि इन्होंने वो ये बोला था कि द कांग्रेस इज फॉल्टरिंग टू इट्स एंड वन ऑफ माय ग्रेट इन इंडिया इज असिस्ट इट टू अल डिवाइस लॉर्ड कर्जन का नाम याद रखना है निम्नलिखित में से किसने भारत की आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था चौवालिस नंबर क्वेश्चन याद रखना है Who among the 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 following suggested the winding up of Indian Indian National Congress after Indian attained independence? तो मतलब भारती, भारती समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था आजादी के बाद स्वतंत्रता के बाद तो यहाँ पे चार ऑप्शन है सी राजगोपाल चारी बी आचार्य कृपलानी सी महात्मा गांधी और डी है जयप्रकाश नारायण तो ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने तो ऑप्शन है सी नेक्स्ट महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था ठीक है 45 नंबर द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी वाज फर्स्ट इलाहाबाद सत्र या इलाहाबाद सेशन 1921 गया सत्र 1922 बेलगांव सत्र 1924 और सी डी है कराची सत्र 1930 इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बेलगांव सत्र निम्नलिखित में से किस आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन में योगदान दिया है जिसके परिणाम स्वरूप नरम पंथी और उग्रवादी उभरे हैं ठीक है तो इसको थोड़ा इंग्लिश में जानिए कि इंग्लिश में यह प्रश्न क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू स्पीट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग द इमरजेंस ऑफ मॉडर एंड एक्सट्रीमिस्ट पहला है स्वदेशी आंदोलन बी है भारत छोड़ा आंदोलन सी है असहयोग आंदोलन और डी है अवज्ञा आंदोलन तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए स्वदेशी आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था इसको इंग्लिश में जाने हु इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर पेटिशन एंड प्रोटेस्ट ये जो प्रार्थना याचिका एंड विरोध इसको थ्री पी के नाम से भी जाना जाता है क्या प्रियर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट ये किसने आरोप लगाया था पहला ऑप्शन लाला हरदयाल बी बाल गंगा तिलक सी सुभाष चंद्र बोस और डी है सरदार भगत सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है बी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं किसने कहा था वी चिरो लुई फीसर वे मिलर और लॉर्ड रीडिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वी 0 नेक्स्ट क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज अभिनव भारत किसके द्वारा संगठित किया गया था तो 49 नंबर अभिनव भारत ए सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पहला है खुदीराम बोस बी है विडी सावरकर सी है प्रफुल्ल चाकी और डी है भगत सिंह तो 49 का सही उत्तर है बी डी सावरकर अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में 1913 में किसने स्थापित की थी 50 नंबर क्वेश्चन है कि हु ऑफ एट पटना इन 1913 uh, नाग यदुनाथ सरकार सचिंदनाथ सान्याल और अरूल हक तो इसका सही उत्तर है सचिंद्रनाथ सान्याल निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था पहला ऑप्शन है भगत सिंह बी ऑप्शन है यहां से चंद्रशेखर आजाद ठीक है चंद्रशेखर आजाद बी समझिए इसको सी है राम प्रसाद और डी ऑप्शन है सी वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है शिव वर्मा निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है ध्यान से इन पंक्तियों को सुनिया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है यहाँ पे चार ऑप्शन है बिस्मिल राजगुरु भगत सिंह और आजाद तो 52 का सही उत्तर है ए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है तो ये लिखा गया था बिस्मिल अजीमा क्या बिस्मिल अजीमाबादी अजीमाबादी ठीक है अजीमाबादी नेक्स्ट काकोरी षडयंत्र कांड किस वर्ष हुआ था तो काकोरी कॉन्स्पेरेंसी केस टू प्लेस इन द ईयर पहला है 1920, बी है 1925, सी है 1935 और डी है 1935. तो काकोरी कांड होता है 1925. नेक्स्ट काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी ध्यान रखना व्हिच रिवर्सली वर हैंगड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस तो यहाँ पे ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकउल्ला वीर सावरकर एंड वास्तव चापेरकर, प्रफुल्ल चंचाकी और, और, और खुदीराम बोस और डी ऑप्शन है सूर्यसेन और उधम सिंह इसमें सही उत्तर है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्ला खा नेक्स्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी ठीक है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन यह है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी 1919, 1927, और 1919 1928? इसका उत्तर है 1928. अब 56 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं किसके द्वारा कहा गया था अशफाक उल्ला खान द्वारा बहादुर शाह जफर द्वारा राम प्रसाद बिश्मिल द्वारा और वाजिद अली शाह द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था वाजिद अली शाह द्वारा लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे वो इसको जो वो गाया करते थे क्या दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं तो इसका उत्तर है डी ध्यान रखिएगा वाजिद अली शाह का प्रसिद्ध नारा किसने दिया फिफ्टी सेवन क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद बी है सरदार भगत सिंह सी है अस्फाक उल्ला और डी है अबुल कलाम आजाद इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सरदार भगत सिंह 58 नंबर भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी पहला ऑप्शन है तेईस मार्च उन्नीस सौ इकतीस तेईस मार्च उन्नीस सौ बत्तीस सी ऑप्शन है तेईस मार्च उन्नीस सौ तैतीस और डी है तेईस सौ इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मार्च 1931. अच्छा यहां पे मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि गांधी इरविन पैक्ट गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब होता है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर इस प्रश्न का उत्तर दें नेक्स्ट लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी इंडिया हाउस इन लंदन वाज एस्टेब्लिशड बाय ए श्याम जी कृष्ण वर्मा बी है बरकत उल्लाह सी सुरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और डी है लाला हरदयाल इस प्रश्न का सही उत्तर है श्याम जी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन श्रीमती एनी बेसेंट बी है स्नेहलता वाडीकर सी है सरोजनी नायडू और डी है मैडम रुस्तम कामा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैडम जी भीखा जी रुस्तम कामा पे आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्ष के रूप में भारत की अस्थायी सरकार ध्यान देना ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात की जा रही है कि अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी कहाँ पे ठीक है तो क्वेश्चन है कि अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ राजा महेंद्र प्रताप एज इट्स प्रेसिडेंट वॉज इस्टिश ड्यूरिंग द फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन अफगानिस्तान बी है जर्मनी सी है सिंगापुर और डी है तुर्की इस प्रश्न का सही उत्तर है अफगानिस्तान अब आते हैं 62 पे मैडम कामा ने 1907 में पहला तिरंगा झंडा कहां फहराया था ऑप्शन है लंदन बी है पेरिस सी है मास्को डी है स्टोर्ड गार्ड ठीक है इसको इस तरह से कहते हैं स्टोर्ड गार्ड इसकी स्पेलिंग की अगर बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं एस टी यू डबल टी स्टूट गार्ड जी ए आर टी ठीक है स्टूट तो गार्ड कहां पे जर्मनी जर्मनी नेक्स्ट काम गाटा मारू क्या था एक औद्योगिक केंद्र ठीक है बी है एक बंदरगाह सी है एक जहाज और डी है एक सेना इकाई तो सिक्सटी थ्री का सही उत्तर है सी एक सीप था इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी ठीक है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग यहाँ पे पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू बी है महात्मा गांधी सी है राजबिहारी बोस एंड डी है लाला लाजपत राय इसका सही उत्तर है राजबिहारी बोस बंगाल विभाजन से संबंधित भारत के वॉइस राय का नाम बताइए पहला है लॉर्ड हर्डिंग बी है लॉर्ड कर्जन सी है लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड मिंटो तो नेम द ऑफ इंडिया बंगाल पार्टीशन लॉर्ड कर्जन और बंगाल विभाजन होता है 1905 16 अक्टूबर 1905 और 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया गया शोक दिवस ठीक है नेक्स्ट ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब तो बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वॉज एडॉप्टेड एज अ नेशनल पॉलिसी इन पहला ऑप्शन है अठारह बी है 1901, सी है 1903 और डी है 1905। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1905। नेक्स्ट स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष के तरीके के रूप में अपनाया गया था बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन होम रूल आंदोलन असहयोग आंदोलन साइमन कमीशन की भारत यात्रा तो 67 का उत्तर है बंगाल के विभाजन के खिलाफ ठीक है 68 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान है ठीक है क्वेश्चन इंग्लिश में देखिए

ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी पहला ऑप्शन है कलकत्ता बॉम्बे पटना लखनऊ ये चार ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर है एक कलकत्ता अब आते हैं सत्तर नंबर पे Who among the following was द चीफ आर्किटेक्ट of reconciliation बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द moderates? आराम से समझिए इस प्रश्न को निम्नलिखित में कौन चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मुख्य वास्तुकार या सुलह कराने वाला था पहला ऑप्शन है एनिवेशन बी है सी है कामा और डी है फिरोसा मेहता इस प्रश्न का सही उत्तर है एनिवेशन एनिवेशन ने जो है वो सुलह कराने का काम किया था चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच में नेक्स्ट सेवेंटी वन उन्नीस सौ सोलह में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कौन सा निहितार्थ लिया गया था पहला है मुस्लिम लीग के अलग निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अस्थायी विलय हुआ था एक मुस्लिम व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था कि डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं इसको थोड़ा आप इंग्लिश में जान लीजिए इंग्लिश माध्यम के जो छात्र हैं विच इम्प्लीकेशन वॉज टेकन इन लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन नाइनटीन पहला है सेपरेट इलेक्ट्रोट डिमांड मुस्लिम लीग है temporary merger of Muslim League and Congress occurred. C है है इस प्रश्न का सही उत्तर की अलग निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में. Okay, में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है A है सी आर दास बी एस सुब्रमण्यम अय्यर सी एनिबेशन और डी है बी जी तिलक इस प्रश्न का सही उत्तर है A, एनिबेशन थी पहला ऑप्शन है आ, पहला स्टेटमेंट है ठीक है ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इसमें आपको सही उत्तर बताना है तो सेवेंटी थ्री का सही उत्तर है पहला सही है ठीक है और तीसरा सही है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक ये नहीं इन्होंने जो है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को बढ़ावा दिया ठीक ये सही है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो के द्वारा की गई थी बोल ASCII एंड ऑर्कॉट के द्वारा तो ये स्टेटमेंट गलत है तो इस हिसाब से क्या सही हो जाएगा एक और तीन तो ऑप्शन ए सी गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है ठीक है इसको इंग्लिश में सुनिए अकॉर्डिंग टू गांधी जी द क्रुएलिस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज फर्स्ट गरीबी की दृढ़ता मतलब परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी गायों की हत्या किलिंग ऑफ काउस सी मनुष्यों की हत्या किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स और डी है महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार टॉर्चर ऑफ व्यूमेन एंड चिल्ड्रेन तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का कुतम रूप क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर है गरीबी की दृढ़ता या परसिस्टेंस ऑफ पावर टे गांधी जी के अनुसार सबसे जो वायलेंस का कुतम रूप है वो गरीबी है नेक्स्ट गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे यहां ऑप्शन है बीस साल बी है 21 साल और सी है 16 साल और डी है 15 साल तो ध्यान देना बच्चों ये 21 साल तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 76 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था यहाँ पे भाग लेने की बात की जा रही है ना कि अध्यक्षता करने की बात की जा रही है अध्यक्षता तो उन्होंने 1924 में पहली बार किया था लेकिन इससे पहले वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले चुके थे ठीक तो है तो यहाँ पे लखनऊ सेशन दिया गया ऑप्शन दिया गया बी है कलकत्ता सेशन 1901 सी है अमृतसर सत्र 1919 और डी है नागपुर सत्र 1920 तो 76 का उत्तर है 1901 का कलकत्ता सेशन जिसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं नेक्स्ट गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस जेल का नाम मंदिर सुनने में अच्छा लगेगा जेल का नाम मंदिर रख दिया था तो गांधी जी थे ठीक है वो कुछ भी कर सकते थे 77, गांधी जी ने में जेल का नाम मंदिर रखा था तो विच वन ऑफ जेल वॉज नेम्ड एज मंदिर बाई गांधी जी तो नैनी कोई बताएगा नैनी जेल कहाँ पे है ठीक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नैनी जेल कहाँ पे और नैनी जेल भी जो एक सेंट्रल जेल है बी ऑप्शन है यारवदा सी ऑप्शन है सेल्यूलर में अंडमान और डी है आगा पैलेस इस प्रश्न का सही उत्तर है यारवदा, जो पुणे महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन कहता था गलत साधन हमें सही अंत तक नहीं ले जाते ठीक है तो सेवेंटी एट प्रश्न का उत्तर है महात्मा गांधी एम के गांधी कौन एम के गांधी ठीक है तो उनके अनुसार महात्मा गांधी जी के अनुसार ये था कि हु एमंग द फॉलोइंग यूज्ड टू से रॉन्ग मींस नेवर टेक अस टू राइट एंड्स तो गलत साधन हमें सही अंत तक नहीं ले जाते हैं नेक्स्ट गांधी जी को एक व्यक्ति एक व्यक्ति सीमा बल के रूप में किसने संबोधित किया हु एड्रेसेस गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स तो यहाँ ऑप्शन है ए चर्चिल बी है एटली, सी है माउंट बेटे और डी ऑप्शन है साइमन तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माउंट बेटे अस्सी नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था ठीक है इन विच ऑफ दूवमेंट महात्मा गांधी मेक्स द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वीपेन तो पहला है असहयोग आंदोलन बी है रोलेट सत्याग्रह सी है अहमदाबाद हड़ताल और डी है बारोली सत्याग्रह इस प्रश्न का सही उत्तर है अहमदाबाद स्ट्राइक मतलब ऑप्शन ऑप्शन सी सी नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था तो पहला ऑप्शन है किसानों के लिए कि कपास मिल श्रमिकों के लिए आभूषण कारीगर के लिए कि प्रेस स्वतंत्रता के लिए तो 21 नंबर क्वेश्चन यह है कि फॉर हुम एवंग द फॉलोइंग वाज अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च तो ये है ऑप्शन बी कपास मिल श्रमिक के लिए तो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए महात्मा गांधी ये सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं ठीक है महात्मा गांधी के ट्रस्ट के सिद्धांत ये याद रखना है कि ट्रस्ट शिप के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है तो पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका 1903 लंदन 1904 सौ दिल्ली 1905 और अहमदाबाद 1906 तो छोसी का सही उत्तर है साउथ अफ्रीका 1903 ए देखिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें जो हंड्रेड क्वेश्चन जो आपके लिए सेलेक्ट करके लाए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका कंपटीशन में अक्सर आना जाना बना रहता है तो एटलीस्ट मॉडर्न इंडिया आप भले पूरी किताब पढ़ें चाहे ना पढ़ें आप इन प्रश्नों को जो है अपने जहन में जरूर रखें तो इससे आपका काम बन जाएगा आप भले कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं कोई भी ध्यान दीजिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी कंपटीशन दे रहे हूँ इवन यूपीएससी तक तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान में रख के इस वीडियो को जरूर झेल लीजिए आप लोग ठीक नेक्स्ट चंपारण में तीन कठिया व्यवस्था का अर्थ क्या है ठीक है एटी थ्री नंबर तीन सिस्टम इन चंपारण मेट ए है भूमि के तीन बटे बीस क्षेत्र पर नील की खेती भूमि के तीन बटे उन्नीस क्षेत्र पर नील की खेती कि भूमि के तीन बटे अठारह क्षेत्र पर इंडिगो इंडिगो का मतलब नील ही है नील की खेती के उपरोक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर है कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द थ्री बाई ट्वेंटी एरिया ऑफ लैंड ए यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया पहला राम बाबा रामचंद्र राजकुमार शुक्ला सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती और डी ऑप्शन है श्री कृष्ण सिन्हा तो 84 का आंसर है राजकुमार शुक्ला बी नेक्स्ट 1922 के सारा बा सारा बंदी, अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था ए है चित्रंजन दास बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल सी है राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय तो पचास का सही उत्तर है बी सरदार वल्लभ भाई पटेल 86 निम्नलिखित में से किसे लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का महासचिव चुना गया था तो 86 नंबर इंग्लिश में जानिए आप हुआ वॉज इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस इन लखनऊ पहला है स्वामी सहजानंद बी है एन जी रंगा और सी है इंदुलाल याग्निक और डी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया तो एटी सिक्स का सही उत्तर है एन जी रंगा पी एटी सेवन और रॉलेट एक्ट किसके वॉयस राय कॉल में पारित हुआ था ठीक है तो इन वायस रॉयल्टी द रॉलेट एक्ट वाज पास्ट लॉर्ड हर्डिंग सेकेंड लॉर्ड रीडिंग लॉर्ड चेम्स फोर्ड लॉर्ड विंडो सेकंड एटी का सही उत्तर है सी लॉर्ड फोर्ड अमृतसर के जली वाला बाग में भीड़ का नरसहा हुआ था यह कब हुआ था यह डेट आपसे पूछी जा रही है ठीक है ऑप्शन है पांच मई उन्नीस बी ऑप्शन है एक अप्रैल उन्नीस सी ऑप्शन है तेरह अप्रैल 1919 और डी ऑप्शन है उन्तीस जुलाई इस प्रश्न का सही उत्तर है सी तेरह अप्रैल 1919 अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 उन्नीश। लोकप्रिय रूप से जाना जाता था एनआरियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 वाज उन्नीस पॉपुलरली नोन एज दी ए है एक्ट बी है फिट्स इंडिया एक्ट सी है इंडियन आर्म्स एक्ट और डी है एल्बर्ट बिल इस प्रश्न का सही उत्तर है रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट इस इस कानून को जो है नो अपील नो दलील ऐसे भी जाना जाता था ओके नब्बे नंबर रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसके विरोध में अपनी नाइट हुड नाइट हुड त्याग दी थी तो क्वेश्चन यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर गिव हुड इन प्रोटेस्ट टू पिच वन ऑफ दी फॉलोइंग तो रॉलेट एक्ट बी है जली वाला बाग में नरसंहार सी साइमन कमीशन और डी है क्रिप्स मिशन तो इसका सही उत्तर है बी क्या मैसेक्र एट जलीवाला बाग जलियावाला बाग नरसंहार के बाद रविनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था 91 पे आते हैं 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था ठीक है वॉज इलेक्टेड एट द प्रेडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन नाइनटीन नाइनटीन पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी बी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना सी है मौलाना सौकत अली डी है मोतीलाल नेहरू इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन का परिणाम था ठीक है विच वन ऑफ दॉज द रिजल्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट पहला ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम मतभेदों को कम कर दिया गया था बी ऑप्शन है भाषा की समस्या तीव्र हो गई सी ऑप्शन हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े और डी ऑप्शन है हिंदुओं का हिंदुओं को दबा दिया गया था तो इसका सही उत्तर है हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस वर ने डाउन तो हिंदू मुस्लिम में जो मतभेद था वो थोड़ा सा कम हुआ था खिलाफत आंदोलन का ये परिणाम के रूप में हम कह सकते हैं नेक्स्ट 1920 में खिलाफत समिति का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था जिसने गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने ग्रहण करने का अनुरोध किया था ठीक है तिरानबे नंबर क्वेश्चन है ठीक कि इन विच सिटी वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमेटी इन 1920 हेल्ड हेल्ड रिक्वेस्टेड गांधी जी टू एजूम द लीडरशिप ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सुनिए इस प्रश्न को इन हिच सिटी वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत लीडरशिप ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहां पे पहला ऑप्शन है लखनऊ बी ऑप्शन है लाहौर सी ऑप्शन है इलाहाबाद और डी ऑप्शन है कराची इस प्रश्न का सही उत्तर है जी हाँ इलाहाबाद जो आज की डेट का प्रयागराज है क्या आज की डेट का प्रयागराज ओके okay. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था 94 की बात की जा रही है तो इन विच ईयर दी फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पे चार ऑप्शन है 1917, 1918, 1920 और 1928 इस प्रश्न का सही उत्तर है सी क्या 1920 नेक्स्ट गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज ये ध्यान रखना गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा कब दिया था आंदोलन के दौरान सम्मेलन के, मतलब के, के दौरान तो 95 का उत्तर है कि ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी बोलते हैं कि हम जो है एक वर्ष के अंदर ही स्वतंत्रता या स्वराज हम प्राप्त कर लेंगे 96 निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण नहीं था ये देखिए यहां पे फिर डाला गया है प्रश्न में नहीं था तो 96 नंबर क्वेश्चन ये है कि हुई चुनाव दी फॉलिंग वाज नॉट अ कॉज फॉर स्टार्टिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है खिलाफत का प्रश्न ठीक है क्वेश्चन ऑफ खिलाफत बी है नमक कानून सी है पंजाब में अत्याचार और डी है रॉलेट एक्ट देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये सही उत्तर है नमक कानून ठीक है बाकी के तीन हैं खिलाफत का क्वेश्चन पंजाब में अत्याचार जो जलेवल बाग हत्याकांड हुआ था ये सब कारण थे असहयोग आंदोलन को शुरू करने का लेकिन नमक का कानून नहीं था इसमें तो दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ होती है गांधी जी के द्वारा ठीक है नेक्स्ट ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया और जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा ठीक है तो 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड एंड डिक्लेयर टू लीव इंडिया बाय जून 1948 तो ये घोषणा कब की गई थी ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो ऑप्शन है 1946 बी ऑप्शन है फरवरी 1947 अप्रैल 1947 जून नाइनटीन इस प्रश्न का सही उत्तर है बी फरवरी 1947 में यह निर्णय लिया गया था कि जून 40 जून 1948 तक अंग्रेज जो है भारत छोड़कर चले जाएंगे 98 पे आते हैं जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था हु वॉज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वेन इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे चार ऑप्शन है पहला ऑप्शन है विस्टन चर्चिल बी ऑप्शन है क्लेमेंट एटली सी है मैकमिलन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्लेमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ पहला ऑप्शन है जुलाई 4 जुलाई 1947, 10 जुलाई उन्नीस सी ऑप्शन है 18 जुलाई उन्नीस और डी ऑप्शन है 14 अगस्त उन्नीस तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 18 जुलाई उन्नीस मतलब सी सी ऑप्शन भारत के विभाजन के संबंध में माउंट बेटन योजना या ये कहें माउंट बेटन प्लान आधिकारिक रूप से घोषित की गई थी तो हंड्रेड नंबर क्वेश्चन यह है कि माउंट बेटन प्लान रिगार्डिंग दी पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन तो पहला ऑप्शन है चार जून उन्नीस बी ऑप्शन है 10 जून उन्नीस और सी ऑप्शन है 3 जुलाई उन्नीस और डी ऑप्शन है 3 जून उन्नीस जी हां इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 जून उन्नीस तो दोस्तों ये एक से लेकर हंड्रेड क्वेश्चन जो है हमने आपके सामने मॉडर्न इंडिया ये कहे या ये कहें कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनसे संबंधित हम प्रश्न ये लेकर आए थे ये प्रश्न आपको कैसा लगा जैसा भी लगा कुछ त्रुटियां हुई हो तो उसको भी जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए आपका सहयोग और आपका जो कमेंट है वो हमें मोटिवेट करता है तो आप अपने अच्छे अच्छे या बुरे बुरे जो भी कमेंट हैं वो जरूर करें ओके तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद